गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? कौन-कौन सी संरचनाएं पढ़ ली थी? तो ध्यान रखना, अपन ने प्राथमिक जनन अंग पढ़ लिए थे और सहायक जनन अंग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज अपन बात करेंगे बाह्य जननांग की। आज अपन किसकी बात करेंगे? बाह्य जननांग। और बाह्य जननांग नर में क्या होता है? पेनिस, पेनिस या सीसन, ठीक है। तो देखो, पेनिस या सीसन क्या है? सबसे पहले जो पेनिस है, पेनिस रेशेदार संयोजी ऊतकों से निर्मित, रेशेदार संयोजी ऊतकों से निर्मित एक मैथुन अंग है। पहले से रेशेदार संयोजी ऊतकों से निर्मित मैथुन अंग के निर्माण, जिसमें कोई अंतः कंकाल नहीं पाया जाता है, कोई अंतः कंकाल नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, पेनिस में अस्थि या उपास्थि अनुपस्थित होती है। पेनिस के अंदर अस्थि या उपास्थि का कोई भी अंतः कंकाल नहीं पाया जाता है। पेनिस किससे निर्मित होता है? संयोजी ऊतकों से निर्मित होता है, ठीक है। एक मांसल पेशी है, संयोजी ऊतकों से निर्मित क्या है? ये संरचना है, ठीक है, जो मैथुन अंग का काम कर रही है। अब देखो, जो पेनिस है इसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। पेनिस का शीर्ष भाग कैसा होता है? फूला हुआ होता है, जिसे सीसन मोन या ग्लांस कहते हैं, ठीक है बच्चों। पेनिस का जो शीर्ष भाग है वो फूला हुआ होता है और फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? सीसन मोन या ग्लांस, ठीक है। इस सीसन मोन के ऊपर या ग्लांस के ऊपर ढीली त्वचा का आवरण पाया जाता है, ढीली त्वचा का आवरण पाया जाता है और उस आवरण को क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। तो ग्लांस या सीसन मोन के ऊपर ढीली त्वचा का आवरण पाया जाता है, जिसको प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक है। प्रीप्यूज या हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रछत, प्रीप्यूज या अग्रछत, ठीक है। अब देखो, ये जो पेनिस है, पेनिस संयोजी ऊतकों के मध्य, पेनिस में क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक दिख रहे हैं चारों ओर आपको। इन संयोजी ऊतकों के मध्य में तीन क्या है? क्वार्टर पाए जाते हैं या डोरियां पाई जाती है। पेनिस के संयोजी ऊतकों के मध्य तीन क्वार्टर या डोरियां पाई जाती हैं। क्लियर दिख रही है आपको? तीन डोरियां, दो ऊपर है और एक नीचे की ओर है। तो तीन डोरियों में से दो तो कहां पाई जाती है? पृष्ठ पर, पृष्ठ भाग में। पृष्ठ भाग में जो डोरियां या रक्त क्वार्टर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोरपोरा केवर्नोसा। तो
पेनिस के शीर्ष भाग में या पृष्ठ भाग में, पेनिस के पृष्ठ भाग में दो रक्त कोटर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। और इसके आधार भाग में एक रक्त कोटर पाया जाता है, आधार भाग में जो रक्त कोटर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, ठीक है। तो पेनिस में संयोजी उत्तक और संयोजी उत्तकों के मध्य क्या मिलेंगे? तीन रक्त कोटर। दो रक्त कोटर पृष्ठ भाग में होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा केवर्नोसा। और एक रक्त कोटर आधार भाग में पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, ठीक है। तो ये कितने रक्त कोटर हो गए? तीन रक्त कोटर। अब देखो जो यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग किस रक्त कोटर में पाया जाता है? आधारीय रक्त कोटर में। और आधारीय रक्त कोटर को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। तो मूत्र मार्ग किस में पाया जाता है या यूरिथ्रा किस में मिलेगा? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा में, ठीक है। अब देखो सामान्य अवस्था में पेनिस होता है छोटा और कोमल होता है, लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय इन रक्त कोटरों में रक्त भर जाता है। लैंगिक उत्तेजना के समय रक्त कोटरों में रक्त भर जाने के कारण पेनिस कठोर और लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पेनिस की संरचना। अब इस पेनिस का या सीसन का मुख्य कार्य क्या है? एक चीज और देख लेना, जो ऊपर के या पृष्ठ भाग में दो रक्त कोटर हैं, ये दोनों रक्त कोटर आपस में एक जाली नुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं जिनको सेप्टम पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो पेनिस का जो मुख्य कार्य है, इसका कार्य क्या है? तो ये शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाता है, शुक्राणुओं को मादा योनि में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये अपन ने बाह्य जननांग यानी पेनिस की संरचना पढ़ी है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां। अब अपन इसकी बात करेंगे जनन ग्रंथियों की। चार्ट में मैंने आपको जनन ग्रंथियां बताई थी, तो नर में कितनी जनन ग्रंथियां पाई जाती है? तीन। नर में जनन ग्रंथियां कितनी होती है? तीन। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुक्राशय नंबर एक, शुक्राशय, ठीक है। तीन जनन ग्रंथियां बताई गई, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथियां, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शुक्राशय, ठीक है। तो शुक्राशय मैंने बताया था एक जोड़ी पाए जाते हैं, नर में एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं, ठीक है। ये शुक्राशय कहां मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये शुक्राशय आपको ध्यान रखना, जो शुक्राशय है इसके द्वारा क्या होगा? एक तरल पारदर्शी पदार्थ का स्राव होता है। देखो
शुक्राशय है इनके द्वारा तरल पारदर्शी क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है। अब जरन ग्रंथि है तो ग्रंथि क्या करती है? तरल पदार्थों का स्राव करती है। तो शुक्राशय के द्वारा जो तरल और पारदर्शी क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है उसको अपन शुक्रद्रव्य कहते हैं, जिसे शुक्रद्रव्य कहते हैं। तो शुक्राशय के द्वारा जो तरल क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्रद्रव्य। ठीक है, अब देखो ये जो शुक्रद्रव्य होता है ये शुक्रद्रव्य क्या करता है? तो ये वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। शुक्राशय के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो क्या करेगा? वो वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। ठीक है, अब देखो इस शुक्राशय के द्वारा जो शुक्र द्रव्य या तरल पदार्थ स्रावित होता है इस शुक्र द्रव्य में मुख्य रूप से फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। एक तो क्या मिलेगी? फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रक्टोज शर्करा है ये फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा स्रोत या ईंधन के रूप में काम करता है। ध्यान रखना शुक्रद्रव्य शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित तरल पदार्थ होता है जिसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये जो फ्रक्टोज शर्करा है ये शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करती है या शुक्राणुओं के लिए ईंधन का काम करती है। तो ध्यान रखना शुक्राणुओं के लिए ईंधन का कार्य कौन करेगा? फ्रक्टोज शर्करा। किसमें मिलेगी? शुक्रद्रव्य में। शुक्रद्रव्य किसके द्वारा स्रावित होगा? शुक्राशय के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। शुक्राणु क्या करते हैं? गति करते हैं, गतिशील होते हैं। तो गति करने के लिए क्या चाहिए शुक्राणु को? ऊर्जा। और वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? फ्रक्टोज शर्करा से। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? तो ध्यान रखना प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये दो चीजें मुख्य रूप से ध्यान रखना फ्रक्टोज शर्करा और प्रोस्टाग्लैंडिन मुख्य रूप से किसमें मिलेंगे? शुक्रद्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? शुक्राशय की। अब शुक्राशय के बाद अगली ग्रंथि है प्रोस्टेट। दूसरी जनन ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट। अब देखो मैंने बताया था प्रोस्टेट ग्रंथि कैसी होती है? एकल। संख्या में कितनी होगी? ये एक होती है। ठीक है, शुक्राशय एक जोड़ी यानी दो होते हैं, काउबर ग्रंथियां भी दो होती हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये एकल या संख्या में एक होती है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या करती है? तरल
ये एक श्वेत क्षारी चिपचिपा, श्वेत चिपचिपा क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है। ये भी क्या करती है? श्वेत चिपचिपा और क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है जो सीमन या वीर्य का लगभग कितना परसेंट भाग बनाती है? 30% भाग बनाती है। तो देखो, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, वो तरल पदार्थ किसका निर्माण करते हैं? सीमन या वीर्य का निर्माण करते हैं। इस सीमन में ज्यादा किसकी मात्रा रहेगी? शुक्राशय ग्रंथि के तरल पदार्थ की, वो 60 से 70% होता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो तरल पदार्थ है ये 30% होता है। ठीक है, तो देखो, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक द्रव्य। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक द्रव्य। तो इस प्रोस्टेटिक द्रव्य में आपको ध्यान रखना है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल, फॉस्फेटेज, फॉस्फेट, कैल्शियम, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसोजाइम, स्पर्मीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक द्रव्य। इस प्रोस्टेटिक द्रव्य में सिट्रिक अम्ल, फॉस्फेट, कैल्शियम, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसोजाइम, स्पर्मीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखो, ये जो प्रोस्टेटिक द्रव्य है ये मुख्य रूप से क्या करता है? तो ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। प्रोस्टेटिक द्रव्य क्या करता है? ये शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है, शुक्राणुओं को सक्रिय रखने का काम करता है। ठीक है, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक तो है शुक्राशय के द्वारा स्रावित होने वाला शुक्र द्रव्य। ठीक है, ये शुक्र द्रव्य और प्रोस्टेटिक द्रव्य, यानी इस शुक्र द्रव्य में जब प्रोस्टेटिक द्रव्य मिल जाता है तो ये प्रोस्टेटिक द्रव्य शुक्र द्रव्य में मिलकर सीमन को स्कंदित कर देता है, सीमन को स्कंदित कर देता है। स्कंदित का मतलब थोड़ा इसको गाढ़ा बना देता है। गाढ़ा क्यों बनाता है? तो देखो, जो शुक्राणु है वो तरल में ज्यादा गति करेंगे या गाढ़े पदार्थ में? तो ज्यादा गति किस में करेंगे? तरल में। ये जो प्रोस्टेटिक द्रव्य है ये शुक्र द्रव्य के साथ मिलकर के सीमन को गाढ़ा कर देता है या स्कंदित कर देता है, जिससे शुक्राणु गति कम कर पाते हैं और उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बच जाती है। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक द्रव्य शुक्र द्रव्य के साथ मिलकर के सीमन को स्कंदित कर देते हैं ताकि शुक्राणु की ऊर्जा क्या रहे? संरक्षित रहे। ठीक है, कर देता है ताकि शुक्राणुओं की ऊर्जा संरक्षित रहे।
ठीक है। अब इसके बाद ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है, ये फाइब्रिनोलाइसिन क्या कर देता है, इस स्कंदन को वापस तरल, वापस तरल कौन करेगा, तो ध्यान रखना फाइब्रिनोलाइसिन ये स्कंदित सीमन को वापस कैसा बना देता है, तरल बना देता है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि की। अब इसके बाद अंतिम जनन ग्रंथि है काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तीसरी है काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। संख्या में कितनी मिलेगी ये, तो संख्या में ध्यान रखना ये भी एक जोड़ी होती है, केवल प्रोस्टेट ग्रंथि है जो एकल होती है, ठीक है। और ये काउपर ग्रंथि है ये मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, ठीक है। मूत्राशय के नीचे कहां पर मिलेगी, मूत्र मार्ग के पार्श्व में, मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होती है, ठीक है। अब देखो ये जो काउपर ग्रंथि है इससे भी क्या होता है, मैथुन के समय, मैथुन के समय क्षारीय तरल का स्राव होता है, ठीक है। काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के द्वारा मैथुन क्रिया के समय क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव होता है। ये जो क्षारीय तरल पदार्थ है काउपर ग्रंथि का, ये क्या करता है, ये दो काम करता है, एक तो जनन मार्ग को चिकना बनाता है, एक कार्य तो क्या करेगा ये, जनन मार्ग को चिकना बनाता है, ठीक है। और दूसरा कार्य क्या करेगा ये, मूत्र मार्ग लिख गया, मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और दूसरा कार्य क्या करेगा, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। तो ये दो कार्य ध्यान रखना, काउपर ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ का स्राव होता है वो तरल पदार्थ मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ अपन ने ये तीनों जनन ग्रंथियां यहां पर पढ़ ली है। अब देखो एक पॉइंट और बताते हैं, सीमन या वीरी, तो सीमन का स्राव किसके द्वारा होगा, सीमन का स्राव जनन ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। जनन ग्रंथियों के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, सीमन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस सीमन की पीएच की बात करें अपन, तो पीएच इसकी 7.2 से 7.4 होती है, यानी ये हल्का
हल्का क्षारीय होता है। सीमेंट कैसा होगा? हल्का क्षारीय होता है। एक वीर्य स्खलन में एक बार के वीर्य स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एक वीर्य स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। अब देखो, जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी यानी जननक्षम बने रहने के लिए, जननक्षम या फर्टिलिटी के लिए जो कुल शुक्राणु है उनमें 60% शुक्राणु कैसे होने चाहिए? सामान्य। 60% शुक्राणु को कैसे होने चाहिए? सामान्य। और इन 60% शुक्राणुओं में से भी 40% शुक्राणु तीव्र गतिशील होने चाहिए। तीव्र गतिशील, जिसमें ये प्रतिशत होता है वो व्यक्ति क्या होता है? फर्टिलिटी होता है, जनन क्षम होता है, ठीक है। और यदि अनुपात इससे कम हो जाए तो फिर वो व्यक्ति जनन क्षम नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ अपन ने जो नर जनन तंत्र था उसको अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। धन्यवाद।